दोस्तों हाल ही में मैंने डेथ परेड एनीमे देखा है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इतना कि इसे IMDb पे मिले हैं 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट हैज अ वुपिंग 82% ऑडियंस स्कोर। डेथ परेड में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं, साथ ही यहाँ ढेर सारी थियरीज भी होने वाली है, इसीलिए हम पूरे सीरीज को 3 वीडियोस के माध्यम से समझेंगे, जहां आज वाली वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे और अगली 2 वीडियोस एक दिन के गैप में ही आ जाएगी, जहां हम हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ ढेर सारी थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब ध्यान रहे कि मैं आगे की वीडियोस तभी बनाऊंगा जब इस वाले वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, यानी कि कम से कम 10K लाइक्स, वरना फिर आगे बनाने का फायदा ही क्या। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है डेथ 7 डार्ट्स, जहां हम एक न्यूली मैरिड कपल को एलिवेटर से बाहर आते देखते हैं। इनमें पति का नाम तकाशी था और पत्नी का नाम माचिको। ये दोनों खुद को एक बार में पाते हैं जिस बार का नाम था क्विन डेकिम और यहां का जो बारटेंडर था उसका नाम था डेकिम। डेकिम इनसे पूछता है कि इन्हें यहां आने से पहले का कुछ भी याद है क्या, और सरप्राइजिंगली दोनों को एकदम अंदाजा नहीं था कि वो यहां कैसे पहुंचे। अब इनकी पूरी याददाश्त नहीं गई है, इनफैक्ट इन्हें अपने जिंदगी का सब याद है, जस्ट दैट इस बार में आने से थोड़ी देर पहले की मेमोरी पूरी तरह से गायब है। इसके बाद डेकिम इन्हें 5 बातें बोलता है। पहली बात यह कि डेकिम इन्हें नहीं बता सकता कि ये लोग कहां हैं। दूसरी बात कि इन्हें अब एक गेम खेलना होगा। तीसरी बात कि ये कौन सा गेम खेलेंगे, उसका चुनाव रैंडमली एक रूले से होगा। चौथी बात कि इनकी जान की बाजी इस गेम पे लगी होगी। और पांचवी बात यह कि जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता, ये इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। ऑब्वियसली ये सब सुनकर तकाशी और मची को यहां से निकलने का सोचते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद था, साथ ही जान का कोई भी रास्ता नहीं था। मोरओवर डेकिम इन्हें कुछ क्रीपी मैनिक्विंस दिखाकर डरा देता है, जिस वजह से ये दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक रेड बटन दबाने के बाद रूले से इन्हें रैंडमली जो गेम मिलता है वो था डार्ट्स। इसमें दोनों को 7-7 डार्ट्स दिए गए थे जिससे इन्हें निशाना लगाना था। डार्ट बोर्ड पे 501 पॉइंट लिखे थे और जैसे जैसे ये लोग पॉइंट स्कोर करेंगे वो 501 में से घटेगा, यानी एट द एंड ऑफ द गेम जिसके बोर्ड पे आउट ऑफ 500 कम पॉइंट बचेगा वो जीत गया, क्योंकि उसने ज्यादा पॉइंट स्कोर किए रहेंगे। गेम में ट्विस्ट ये था कि डार्ट बोर्ड के हर एक सेक्शन में प्लेयर का एक बॉडी पार्ट दर्शाया गया था और डार्ट जिस पार्ट पे हिट करेगा ऑपोजिट प्लेयर को शरीर में उस जगह तेज दर्द होगा। यहाँ तकाशी के बोर्ड पे मचिको के बॉडी पार्ट दर्शाए गए थे एंड वाइस वर्सा। तो गेम शुरू होता है और तकाशी अपना पहला शॉट लेता है जो की डार्ट बोर्ड के ऐसे पॉइंट पे हिट किया था विच वॉज मचिकोज आर्म। मचिको को इससे तेज दर्द होता है, लेकिन वो कहती है की कोई बात नहीं, अब मेरी बारी। दिन वो शॉट लेती है अपने डार्ट बोर्ड पे जो कि तकाशी का लंग्स था शायद, और इसे तकाशी को सीने में तेज दर्द होता है। अब ऑब्वियसली ऐसा दर्दनाक खेल कौन ही खेलना चाहेगा, तो तकाशी एक प्लान बनाता है कि क्यों ना ये दोनों अपने बाकी के शॉट्स जान के मिस कर दें ताकि गेम भी खत्म हो जाए और इन्हें तकलीफ भी ना हो। दिस आइडिया वॉज गुड और दोनों ऐसा ही करते हैं। ऑल्दो अपने 6th शॉट पे तकाशी को एकदम से रियलाइज होता है कि हारने वाले को शायद सजाए मौत हो जाए, क्योंकि डेकिम इन्हें मैनिक्विंस दिखाया था लटका हुआ जो कि इन्हें लगा था कि ह्यूमंस लटके हुए हैं। और अभी जो पॉइंट चल रहा है उसमें तकाशी 12 पॉइंट पीछे है, क्योंकि पहला शॉट जो दोनों का हिट हुआ था उसमें मची को ज्यादा स्कोर की थी, इसलिए तकाशी यहां अपना 6th शॉट जानबूझकर डार्ट बोर्ड पे हिट करता है जिससे मचिको को फेस में तेज दर्द होता है। तकाशी कहता है कि ये उसे गलती से हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि इट वॉज इंटेंशनल। अब मचिको जब अपना 6th शॉट लेती है तो वो भी बोर्ड हिट करती है जिससे तकाशी की आंखों में दर्द होता है। इस शॉट के बाद मचिको फिर से 4 पॉइंट आगे थी और यहाँ वो भी कह रही थी कि उससे गलती से ये शॉट लगा है। इस पॉइंट पे गेम सीरियस हो चुका था और ऐसे मचिको कहती है कि अगर तुम डार्ट बोर्ड हिट करने का सोच भी रहे हो तो एटलीस्ट मेरे पेट वाले एरिया में हिट मत करना, क्योंकि मेरे पेट में तुम्हारा 10 हफ्ते का बच्चा पल रहा है। ये सुनकर तकाशी शॉक में था और वो बहुत खुश भी होता है कि फाइनली वो बाप बनने वाला है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, और इसके बाद वो अपना डार्ट शॉट लेने जाता है, लेकिन यहाँ उसके मन में कुछ पुरानी बातें आने लगती हैं
और ये बातें कुछ अजीब थी। दरअसल तकाशी को शक था कि मचिको उस पे चीट कर रही है, क्योंकि शादी से पहले वो मचिको की दोस्तों को कुछ बातें करते सुना था, जहां वो कह रही थी कि माची का हस्बैंड डॉक्टर है जो कि सक्सेसफुल है, और उसका बॉयफ्रेंड भी है जो कि हॉट है। इस सोच से कहीं ना कहीं तकाशी का शॉट इन्फ्लुएंस होता है और वो डार्ट बोर्ड को वापस हिट करता है, वो भी उस एरिया में जो कि मचिको का पेट रिप्रेजेंट कर रहा था। इससे मचिको को पेट में तेज दर्द होता है और तकाशी यहाँ मचिको को ब्लेम करना शुरू करता है कि तुम्हारा तो हमारी शादी के दिन भी अफेयर चल रहा था, ये बच्चा तो शायद मेरा है भी नहीं। मचिको इनकार करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तकाशी लगातार उस पे ब्लेम डाले जा रहा था। इसके बाद तकाशी मचिको का आखिरी डार्ट खुद उठा लेता है और वो उसे अपने बोर्ड पे इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा था, क्योंकि रूल्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आप दूसरे के डार्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में मचिको कहती है कि मेरी फ्रेंड जिस माची के बारे में बात कर रही थी वो मैं नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त माचिता युकी है। तो माची सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि वो मेरे बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर तकाशी अगेन सॉरी कहने लगता है और तभी माचिको उसके हाथ से अपना डार्ट लेती है और अपने बोर्ड पे चला देती है। ये शॉट सीधा सेंटर में लगता है यानी बुल्स आई, और ये तकाशी का हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि तकाशी को दिल में दर्द होता है, और इसी के साथ मचिको ये गेम ऑफ डार्ट्स जीत गई थी। अब इस पॉइंट पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, विच वॉज कि ये दोनों एक्चुअली में मर चुके हैं, और मरने के बाद अभी ये लोग जहां हैं यहां इनका जजमेंट हो रहा है। जी हां दोस्तों, ये दोनों अपने हनीमून पे एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और इसीलिए इनकी थोड़ी देर पहले तक की मेमोरी गायब थी ताकि यहां इनको जज किया जा सके। अब इनकी मेमोरी वापस आ गई थी, यानी कि गेम खत्म होते विक्टिम्स को अपनी मौत की मेमोरी वापस आ जाती है। इनका एक्सीडेंट भी इसलिए हुआ था क्योंकि तकाशी को शक था कि मचिको अपने फोन में किसी दूसरे बंदे से बात कर रही है, और ड्राइव करते हुए दोनों में छीना झपटी हो जाती है फोन को लेके, जिससे इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये सब रिवील होने के बाद तकाशी और भी पागलों जैसी हरकत करने लगता है और वो मचिको को फिर से ब्लेम करता है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट पे मचिको यहां से जाने लगती है और हमें एक कट सीन दिखाया जाता है जहां मचिको एक्चुअली में किसी दूसरे इंसान के साथ सोई थी। मचिको यहां अचानक से कहती है कि तुम सही थे, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा, मुझे तो बस तुम्हारे पैसों से मतलब था। अब ये बात सुनते तकाशी आग बबला हो जाता है और वो मचिको को मारने जाता है, लेकिन डेकेम अपने स्पाइडर वेब्स वाली पावर से तकाशी को रोकता है। इसके बाद डेकेम इन दोनों को अलग अलग लिफ्ट्स में डाल देता है जो कि इन्हें अलग अलग जगह ले जाएगी बेस्ड ऑन कि डेकेम क्या जजमेंट पास किया है। फिर पहले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि डेकेम से पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा जजमेंट क्या था। हमें बताया जाता है कि तकाशी की आत्मा को री इनकार्नेशन के लिए भेज दिया गया है यानी पुनर्जन्म, वहीं मचिको की आत्मा को वॉइड में भेज दिया गया है यानी एक ऐसा गहरा अंधकार जहां से कोई वापस नहीं आता। इसे हम लिफ्ट के ऊपर बने सिंबल पे किस कलर की लाइट पड़ रही है उससे भी समझ पाते हैं, व्हाइट मतलब रीइनकार्नेशन, वहीं रेड मतलब वॉइड। अब ये दोनों लड़कियां कौन है जो कि डेकेम से ऐसे सवाल पूछ रही थी, वेल ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा, और फिलहाल पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड का नाम है डेथ रिवर्स, और यहाँ हमें इस जगह के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। तो जिन दो लड़कियों को हम पिछले एपिसोड के अंत में देखे थे उनमें से छोटी हाइट वाली का नाम है नोना, जो कि इस जगह की काइंड ऑफ मैनेजर है। वहीं लंबी वाली लड़की का नाम हमें इस पॉइंट तक नहीं बताया गया है, तो हम उसे फिलहाल नेमलेस कह के संबोधित करेंगे। तो इन दोनों को हम एक ट्रैम या ट्रेन जैसे व्हीकल में जाते देखते हैं जहां कई और आर्बिटर्स थे, यानी वो काम करने वाले जो काम डेकेम का है। दिस प्रूव्स कि इस जगह पे कई ऐसे लेवल्स हैं जहां साइमल्टेनियसली जजमेंट्स पास करी जाती है अलग अलग आर्बिटर्स द्वारा। नोना नेमलेस को अपने साथ लिफ्ट में ले जाती है और इस लिफ्ट को क्लाविस नाम का बंदा ऑपरेट कर रहा था। ये लिफ्ट 15वें फ्लोर पे पहुंचती है जहां डेकेम का क्विन डेकेम है। अब यहां से नोना नेमलेस को पूरा प्रोसेस बताने लगती है कि आखिर सब काम कैसे करता है। तो गेस्ट्स के आने से पहले, यानी जो मरे हुए लोगों को यहां भेजा जाने वाला है, उनके आने से पहले आर्बिटर डेकेम को उनके लाइफ की सारी मेमोरीज कंपाइल करके भेज दी जाती है, लाइक यू कैन से बंच ऑफ इमेजेस के फॉर्म में। इसके बाद डेकेम उन्हें गेम खेलने पे मजबूर करता है और गेम्स इस तरह से खिलवाया जाता है ताकि गेस्ट्स के अंदर की डीपेस्ट डार्केस्ट चीजें बाहर आए। ध्यान रहे कि डेकेम तक को पता नहीं होता कि गेस्ट्स क्या सोच रहे हैं, वो बस अंदाजा लगाता है इस आधार पे कि उनका यूजुअली अपनी जिंदगी में नेचर कैसा रहा है। फिर गेम वगैरह खेलने के बाद गेस्ट जिस तरह से बिहेव करते हैं उस आधार पे डेकेम जजमेंट देता है, यानी कि अच्छा बर्ताव रहा तो रीइनकार्नेशन और बुरा रहा तो वॉइड। अब नोना नेमलेस को ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि वो डेकेम की असिस्टेंट होने वाली थी। नोना उसे बैकस्टेज से सब कुछ दिखाती है इन केस ऑफ तकाशी एंड मचिको कि कैसे सब कुछ ऑपरेट हुआ था। हमें अलग पर्सपेक्टिव से तकाशी और मचिको वाला गेम फिर से दिखाया जाता है और गेम खत्म होने के बाद
बाद डेकिम नेमलेस से पूछता है कि तुम्हें मेरा जजमेंट कैसा लगा। अब नेमलेस के पास एक अलग ही पर्सपेक्टिव था विच वॉज शॉकिंग। नेमलेस कहती है कि पूरे खेल के दौरान मचिको हमेशा परेशान दिख रही थी, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मचिको बस एक बार किसी और बंदे के साथ सोई होगी जो कि वो रिग्रेट भी करती थी और उसी मेमोरी का इमेज डेकिम के पास है। नाउ एक्चुअली में ये भी पॉसिबिलिटी है कि मचिको के बच्चे का बाप उसका पति तकाशी ही था और ये लोग इस हालत में तकाशी के कारण ही आए। देखा जाए तो तकाशी शुरू से ही एक ऐसा इंसान था जो कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए वो मचिको पे भी शक किया, जबकि मचिको कुछ इधर उधर नहीं करी थी एक्सेप्ट फॉर दैट वन टाइम। अब इस मिसट्रस्ट के कारण ही कार में इनका फोन छीना झपटी होने लगा जिसमें इनका एक्सीडेंट हुआ। यानी देखा जाए तो इन सब के मरने का कारण तकाशी है, इवन उनका अनबॉर्न चाइल्ड भी तकाशी के कारण मारा गया। मचिको नहीं चाहती थी कि तकाशी इस गिल्ट में रहे कि उसकी वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हुआ, इसीलिए वो शायद जानबूझकर ब्लेम अपने ऊपर ले ली, सेइंग कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैं तुमसे पैसे के लिए शादी की वगैरह वगैरह। इससे तकाशी के मन में ये गिल्ट नहीं आएगा कि उसके कारण उसका होने वाला बच्चा मारा गया। जी हाँ दोस्तों, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ऑल अलोंग मचिको बस तकाशी को प्रोटेक्ट कर रही थी उसकी ही फीलिंग से और वो एक्चुअली में तकाशी को प्यार करती थी। ये सुनकर डेकिम की हालत पतली हो जाती है कि क्या मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। वहीं नोना भी डेकिम को कहती है कि आगे से ध्यान रखो इन चीजों का, बिना इमोशंस को इक्वेशन में लिए तुम डिसीजंस नहीं ले सकते। खैर इसके बाद डेकिम दोनों लेडीज को ड्रिंक बना के पिलाता है और नोना नेमलेस को अपॉइंट कर देती है ताकि वो डेकिम की मदद कर सके जजमेंट्स देने में, यानी कि नेमलेस अब एक असिस्टेंट है डेकिम की। इसके बाद हम नोना को लिफ्ट में 90th फ्लोर पे जाते देखते हैं जहां हमें ग्रीनरी और एक घर वगैरह दिखता है। नोना मन में ही सोच रही होती है कि तकाशी जिस तरह का इंसान था वो हमेशा लोगों पे शक ही करता रहता और उसे उसकी जिंदगी में कभी खुशी प्राप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई इंसान हमेशा डिल्यूजन में शक करता ही रहेगा किसी पे, तो वो खुश कैसे रहेगा। एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नोना को डेकिम से फोन पे कहते सुनते हैं कि उसका टर्म सिर्फ 3 महीने के लिए है। फिर वो एक स्टोरी बुक पढ़ रही होती है नेम शैवो और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म। अब तीसरे एपिसोड का नाम है रोलिंग ब्लेड, जिसके शुरुआत में हम फिर से दो नए गेस्ट्स को देख पाते हैं। इनका वही गेम सिलेक्शन प्रोसेस चलता है और इनका जो गेम सिलेक्ट होता है वो था बोलिंग। यहाँ ट्विस्ट बस ये था कि इन्हें एक स्पेसिफिक बॉल से ही खेलना था, जहां लड़की के बॉल में लड़के का दिल धड़क रहा होगा और लड़के के बॉल में लड़की का दिल, यानी कि दोनों को एक दूसरे के दिल वाले बॉल से बोलिंग करना है। मतलब एक्चुअल दिल नहीं था बल्कि इनके हर्ट का रिप्रेजेंटेशन था। अब इस केस में आश्चर्य वाली बात यह थी कि लड़के को अपने बारे में काफी कुछ पता था, लाइक उसका नाम शिगेरु मुएरा है, लेकिन लड़की को अपना नाम तक याद नहीं था। खैर तो खेल शुरू होता है जहां ये दोनों पाते हैं कि इस बॉल के अंदर जो हार्ट का रिप्रेजेंटेशन था वो एकदम रियल टाइम था, लाइक सेम स्पीड पे धड़कना, सेम बॉडी वाला टेंपरेचर होना इत्यादि। ये दोनों काफी स्वीट थे, जहां दोनों एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, प्यार से गेम खेल रहे थे। और इस खेल के दौरान इन दोनों को अपने मेमोरीज के कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे जिनसे इन्हें लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जब तकरीबन 7 से 8 राउंड्स हो जाते हैं तो शिगेरु के साथ बेट लगाता है कि अगर वो इस गेम को जीत लेता है तो इस लड़की को उसके साथ डेट पे चलना होगा। लड़की भी खुशी खुशी मान लेती है और इन दोनों की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। इस पॉइंट पे डेकिम नेमलेस को कुछ तो इनके बारे में सीक्रेट बताता है जो हम व्यूअर्स को नहीं बताया जाता। खैर गेम आगे बढ़ता है जहां लड़की को अपने बचपन की कुछ मेमोरी याद आती है और वो शिगेरु को बताती है कि उसका नाम चिसातो है और वो दोनों बचपन में साथ में खेला करते थे। तो इसके बाद अपने फाइनल टर्न में शिगेरु स्ट्राइक मारता है और उसकी भी मेमोरी वापस आ जाती है, जहां वो समझ पाता कि कुछ देर पहले ये दोनों एक ही बस में थे। शिगेरु चिसातो से बात करने आगे बढ़ा था कि तभी बस का एक्सीडेंट हो गया था, यानी ये दोनों मारे जा चुके हैं। शिगेरु ये बात चिसातो को नहीं बताता, रदा चिसातो को अपना लास्ट शॉट लेने देता है। अब चिसातो जान के गटर में बॉल मारती है ताकि शिगेरु जीत जाए और ये दोनों डेट पे जा सके, लेकिन अब गेम खत्म हो चुका था, यानी चिसातो की भी मेमोरी वापस आ गई थी। बेसिकली दोनों को पता चल चुका था कि दोनों मारे जा चुके हैं। इसके बाद ये दोनों इमोशनल होते हैं और एज प्रॉमिस दोनों डेट भी करते हैं एक दूसरे को उसी जगह पे, लेकिन अलाउ भी करता है और फाइनली सब होने के बाद वो अपना जजमेंट देता है। अब यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। दरअसल बचपन में चिसातो और शिगेरु के साथ माई नाम की लड़की भी खेला करती थी और ये लड़की जो अभी यहाँ थी वो चिसातो नहीं बल्कि माई थी। जी हाँ दोस्तों, शिगेरु बचपन से चिसातो को पसंद करता था, वहीं माई शिगेरु को। चिसातो के जाने के बाद शिगेरु और माई भी काइंड ऑफ अलग हो गए थे और माई शिगेरु से इतना प्यार करती थी कि वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, जी हाँ, ताकि वो चिसातो जैसी
दिख सके। माई एक बोलिंग सेंटर में काम करती थी जहां वापस से शिगेरु की नजर उस पे गई और बस में शिगेरु माई से बात करने जा रहा था कि तभी एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। कहने का मतलब रियल लाइफ में तो ये दोनों नहीं मिल पाए लेकिन आफ्टर लाइफ में इनका छोटा सा डेट जरूर हुआ विच वॉज होलसम। अब सवाल यह है कि इन दोनों को कहां भेजा गया। वेल जवाब है कि दोनों को री इनकार्नेशन के लिए भेजा गया। यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ फाइनली हम बढ़ रहे हैं इस वीडियो के आखिरी एपिसोड की तरफ जिसका नाम है डेथ आर्केड। तो इस एपिसोड में हम वापस से दो लोगों को यहाँ आते देखते हैं। पहला एक टीनेजर है जिसका नाम है युसुके ततेशी और दूसरी एक टीवी एक्ट्रेस है जिसका नाम है मिसाकी ताचिबाना। इन दोनों को भी गेम खेलने के लिए कन्विंस कर लिया जाता है और यहाँ मिसाकी को ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी रियलिटी शो में है जहाँ हिडन कैमराज लगे हुए हैं। याद है ना आप सभी को, जो भी गेस्ट यहाँ आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो मारे जा चुके हैं। खैर मिसाकी काफी डोमिनेटिंग सी थी और वो युसुके को भी अपने हिसाब से एक्ट करने के लिए मना लेती है। इनका जो गेम सिलेक्ट होता है वो था आर्केड गेम। इस गेम में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। वो टेकन जैसा गेम होता था ना, एक ओल्ड कॉन्सोल पे जो हम लोग खेलते थे गेम वाले पार्क में, वैसा ही कुछ जहां इन्हें खुद का ही कैरेक्टर मिला था। इस गेम में कुल 3 राउंड होने वाले थे जहां पहले राउंड में युसुके मिसाकी को इजिली हरा देता है। अब अगले राउंड से पहले मिसाकी युसुके को कन्विंस कर लेती है कि वो ये राउंड हार जाए ताकि ये जो तथाकथित रियलिटी शो बन रहा है उसके व्यूअर्स को थ्रिल मिले। तो युसुके ऐसा ही करता है जहां मिसाकी ऑलमोस्ट जीतने ही वाली होती है लेकिन अचानक से युसुके का मन बदल जाता है और वो मिसाकी पे अटैक करने लग जाता है। ऐसे में हम डेकिम को देखते हैं जो अपने पास एक डिवाइस क्लिक करता है जिससे युसुके के जॉयस्टिक का टॉप सर्कुलर पार्ट बाहर आ जाता है। जब तक युसुके उसे उठा के लगाता तब तक मिसाकी दूसरा वाला राउंड जीत लेती है। तो इस राउंड के बाद मिसाकी युसुके को कन्फ्रंट करती है कि तुम अचानक से मुझे हराने क्यों लगे, और युसुके कहता है कि अगर मैं डायरेक्ट हार जाता तो अच्छा नहीं लगता ना व्यूअर्स को, इसलिए रियलिस्टिक फील देने के लिए मैं फाइट बैक किया गेम में। यह सुनकर मिसाकी इंप्रेस होने का नाटक करती है और वो कहती है कि फाइनल राउंड में भी ऐसा ही करना और मुझे जिता देना क्योंकि एक स्टार को जीतते देखी ऑडियंस खुश होती है। इस पे युसुके कहता है कि मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये कोई रियलिटी शो है एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब ये सुनकर मिसाकी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखती है और वो सीधा डेकिम से जाके ही पूछ लेती है कि क्या हम किसी रियलिटी शो में हैं, क्या यहाँ आसपास कैमराज हैं। डेकिम ऑब्वियसली ना कहता है और ऐसे में मिसाकी अज्यूम करती है कि जो ये गेम हारेगा उसे डेकिम मार डालेगा क्योंकि ऑब्वियसली डेकिम इन्हें भी मैनिक्विंस दिखा के डराया था। वो चिल्लाने लगती है कि दिस इज नॉट फेयर क्योंकि युसुके उससे बढ़िया प्लेयर है, जिस पे डेकिम कहता है कि लाइफ कभी भी फेयर नहीं होता है। तो गेम शुरू होता है जहां युसुके आसानी से जीतने लगता है और यहां कुछ अजीब अजीब अटैक्स थे, लाइक कैरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स आके अटैक करते थे इत्यादि। एक पॉइंट पे मिसाकी थोड़ा अच्छा अटैक करती है, मतलब उसके फैमिली का अटैक, एक बच्चा चढ़ गया था युसुके के कैरेक्टर पे, कि तभी डेकिम अपने डिवाइस का एक बटन दबाता है जिससे मिसाकी के जॉयस्टिक का हेड निकल जाता है। हमें ऐसा लगता है मानो अब तो मिसाकी पक्का हार गई लेकिन मिसाकी यहां कुछ अलग ही करती है। वो युसुके के साइड जाकर उसका सर स्क्रीन पे बार बार मारती है जिससे युसुके अपना होश खो देता है, यानी वो लिटरली युसुके पे हमला कर दी, मतलब गेम में नहीं रियलिटी में। डेकिम यहां अपनी असिस्टेंट नेमलेस को एक्सप्लेन करता है कि वो जानबूझकर ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है ताकि वो लोगों के डार्केस्ट रूप को बाहर ला सके। अब इस पॉइंट पे हमें युसुके के लाइफ की कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई जाती है, साथ ही हमें मिसाकी के लाइफ की फ्लैशबैक्स भी दिखाई जाती है। अब इन फ्लैशबैक्स में क्या था वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिलहाल इस गेम की तरफ देखते हैं। तो हां डेकिम कहता है कि गेम रिज्यूम किया जाए और मिसाकी युसुके के कैरेक्टर को गेम में हराने लगती है। ऑफ कोर्स युसुके तो बेहोश था ना, लेकिन तभी युसुके उठ जाता है और वो भी एक स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी फॉस्टर मॉम की कैरेक्टर मिसाकी पे हमला कर रही थी। फाइनली एक सिचुएशन आता है जहां दोनों कैरेक्टर्स लगभग 1 एचपी पे थे और दोनों एक दूसरे को पंच करके केओ कर देते हैं, यानी कि ये राउंड डब्ल्यू केओ हुआ, यानी कि ड्रॉ। गेम खत्म होते ही दोनों प्लेयर्स को याद आ जाता है कि दोनों मारे गए हैं लेकिन इनकी मौत कैसे हुई, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिसाकी रियल लाइफ में ही बहुत मैनिपुलेटिव और अजीब सी औरत थी। वो टीवी में एक्टर थी और उसके 5 बच्चे थे। अपने अर्ली लाइफ में वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने के कारण प्रेग्नेंट हुई, जिसके बाद वो अब्यूजिव हस्बैंड्स के साथ भी रही थी। मिसाकी के 3 हस्बैंड्स रह चुके थे, तीनों वैसे ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने कम उम्र में ऐसी हार्श जिंदगी के कारण मिसाकी ना तो अपने बच्चों का ख्याल रख पाती थी ना ही वो दूसरों को अच्छे से ट्रीट करती थी। उसे बस अपने टीवी शोज की पड़ी थी, विच रिवील्स कि वो काफी सेल्फ सेंटर्ड थी। ऑल्दो अपने बच्चों से प्यार जरूर करती थी, वो अलग बात है कि उनके लिए मिसाकी के पास वक्त नहीं होता था। ऐसे में एक बार मिसाकी की टैलेंट मैनेजर जब बिना पूछे उससे एक अपॉइंटमेंट रख देती है तो मिसाकी उसे थप्पड़ मार देती है गुस्से में। अब इससे टैलेंट मैनेजर को भी आता है गुस्सा और वो मिसाकी का गला घोटकर उसे मार डाली थी। तो जी हाँ, ऐसे हुई मिसाकी की मौत।
वहीं अगर युसुके की बात करें तो बचपन में उसकी माँ काफी उसे मारती पीटती थी। युसुके का बचपन से कोई दोस्त वगैरह नहीं था, वो हमेशा अकेला रहता था। वो बस मांगा पढ़ने में और गेम्स खेलने में इंटरेस्ट लेता था। युसुके के पेरेंट्स का डिवोर्स होता है, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ रहता है। अब पिता कर लेते हैं दूसरी शादी, तो साथ में आती है युसुके की स्टेप मॉम, जो कि एक्चुअली में बहुत ही काइंड और अच्छी लेडी थी, लेकिन युसुके उन्हें मौका ही नहीं देना चाहता था और अपने में खोया रहता था। समय के साथ युसुके काफी परेशान रहने लगा, डिप्रेस हो गया और अंततः वो खुद को ही मार लिया था। तो इस गेम के बाद दोनों को अपनी जिंदगी याद आ चुकी थी और दोनों काफी रिग्रेट कर रहे थे। जहां मिसाकी एक बार फिर से अपने बच्चों को वापस देखना चाहती थी, वहीं युसुके ये सोच के उदास था कि उसे अपनी स्टेप मॉम के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए था। मोस्ट ऑफ ऑल उसने जो कदम उठाया वो तो बिल्कुल भी उसे नहीं करना चाहिए था। मिसाकी यहां एकदम वॉयलेंट हो रही थी और डेकिम अपने स्पाइडर वेब से उसे कंट्रोल करता है। फिर डेकिम इन दोनों को शांत करके कहता है कि तुम दोनों अच्छा गेम खेले। हम देख पाते हैं कि युसुके को रीइंकार्नेशन के लिए भेजा गया है, वहीं मिसाकी को वॉइड में भेजा जा रहा है। यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप इस एपिसोड को ध्यान से देखें तो यहाँ गेम खेलते वक्त ये दोनों गेस्ट्स अपनी अपनी फैमिली वाला मूव्स इस्तेमाल किए थे। दिस डिनोट्स कि दोनों को अपने अपने परिवार से प्यार था, जस्ट दैट ये लोग दर्शा नहीं पाए उसे। वैसे युसुके के स्टेप मॉम वाला मूव थोड़ा ज्यादा तगड़ा था एज कम्पेयर टू मिसाकी के बच्चों वाला मूव। ऐसा क्यों है आप लोग सोच के कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वैसे मैं थोड़ा हिंट दे दूं कि हो सकता है कि मिसाकी के जो बच्चे थे वो उसको इतना प्यार नहीं करते थे, तो वो मूव इतना स्ट्रांग नहीं था। वहीं युसुके की जो स्टेप मॉम थी वो उसे प्यार करती थी। एनीवेज यहां हम एक और चीज देख पाए कि डेकिम कैसे अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है ताकि वो गेम में लोगों के एक्सट्रीम इमोशंस को ट्रिगर कर दे, जिससे उनका डार्क साइड बाहर आए। कैसा डार्क साइड? वेल, मिसाकी जीतने के लिए युसुके को मारी तक थी, विच वॉज एक्सट्रीम, ऑल्दो वो बाद में रिग्रेट कर रही थी, डिसीजन को एम्बुलेंस भी बुला रही थी। दिस शोज कि मिसाकी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी कर देती है। शायद इन्हीं हरकतों की वजह से उसे वॉइड मिला, क्योंकि ये डिसीजन इस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ गेम खेलते वक्त कैसे दिख रहे हो। एंड ऑब्वियसली मिसाकी तो अच्छी नहीं दिख रही थी। वैसे युसुके को रीइंकार्नेशन मिला, ऑल्दो वो अपने रियल लाइफ में कुछ बहुत गलत किया था। तो हाँ, रियल लाइफ के बाद भी यहाँ आप कैसे बिहेव करते हो उस पे भी कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है। खैर, ये सब तो थियोरीज की बात हो गई, जिसमें हम अपनी थर्ड वीडियो में आएंगे, क्योंकि इस सीरीज में काफी थियोरीज होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग वाली। इनफैक्ट आगे वाली कहानियां और भी लाजवाब हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो पे 10K लाइक्स जरूर कंप्लीट करना। उसके बाद ही मैं सेकंड और थर्ड वीडियो लाऊंगा। आज हो गए लाइक्स कंप्लीट, तो कल ही लेके आ जाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।